thank you नाम है कि इस कार्यक्रम में इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है आज के जो हमारे मेहमान हैं आज शाम के उनके उनके परिचय में क्या कहना है दरअसल मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं समझता हूँ कि एक आम बोलचाल का लफ्ज है हर फन मौला किसी हद तक सही है लेकिन पूरी तरह सही नहीं है मुझे ऐसा लगता है कि ये आदमी उस उस बात की जीती जागती मिसाल है उस चीज़ का सबूत है कि अगर आदमी लगन के साथ मेहनत के साथ ईमानदारी के साथ एक नहीं कई चीज़ों का भी इरादा अगर कर ले तो हर एक चीज़ में कामयाब हो जाता है ये सारी बातें हम करते हैं नवजोत सिंह सिद्धू साहब से आइए सर तो ताँगी 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 ताँगी। सर बहुत शुक्रिया आप तशीफ लाए आपका ज़्यादा शुक्रिया अरे जनाब आपने मान भिड़ा दिया अरे बुला के मुझे। ये तो हमें कहना चाहिए बहरहाल हम आपसे बातें करें इससे पहले जो है कुछ झलकियाँ आपसे मुतिक आपकी जिंदगी के से मुतालिक देख लें फिर आगे कस्सा बढ़ाते फटे उड़ा रहे दे, जैसा भी हो तो के वाई। क्रिकेट। क्रिकेट आ, अगर आप सच पूछें तो क्रिकेट मेरे लिए एक बोझा था जो मैंने ढोया वो इसलिए कि मैं अपने पिता का सपना साकार करना चाहता था वो मुझे ये कहते थे कि तुझे किसी चीज की कमी नहीं छोड़ी मैं चाहता हूँ मेरी इच्छा के लिए तू हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट कर क्रिकेट खेल और मेहनत कर तो मेरा ये मकसद था जिंदगी का कि मेरे पिता का सपना मुझे साकार करना है एक छोटी सी कहानी भी आपको सुना दूं जिसने मेरी जिंदगी बदल दी जी एक आर्टिकल छपा था उन्नीस में जब मैं आ, पहली बार इंडियन टीम में आया था तो बहुत कम अरसे के लिए आया था तो एक आर्टिकल छपा था इंडियन एक्सप्रेस में राजन बाला ने वो लिखा था आर्टिकल के ये स्ट्रोकलेस वंडर है ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं कर पाया कि ये तो नेट के बाहर बॉल नहीं फेंक सकता ये छका वका क्या मारेगा उस आर्टिकल का असर मेरे फादर पर बहुत ज्यादा हुआ मैंने उनकी आंख में आंसू छलकते देखे मैं बाथरूम से नहा के निकला तो देखा कि उनकी आंखों से आंसू छलक रहे थे तो उन्होंने कोई चीज़ छिपाई तो मैं इग्नोर करके चला गया जब वो कोर्ट गए तो मैंने वापस आके वो निकाला तो इंडियन एक्सप्रेस का वो आर्टिकल था तो वो आर्टिकल मैंने अपनी कबर्ड में चिपका लिया था और हर रोज सुबह उठ के मैं वो आर्टिकल पढ़ता था उसके पहले क्या होता था कि फादर सुबह अगर उठा उठाते थे कि जाओ भाई एक्सरसाइज कर तो मैं एक्सरसाइज करने के बजाय दूसरे कमरे में सो जाया करता था और फिर थोड़ी देर बाद पानी मार के अपने चीटे मार के पानी के टी शर्ट के ऊपर तो उनको कहता था कि बड़ी एक्सरसाइज करके पसीने हाँ, पसीने के लेकिन उस आर्टिकल ने जिंदगी का मकसद फिर बदल दिया तो मेरी लाइफ जो थी जब उनकी मृत्यु भी हुई आ, 1985, 1986 में तब तक तो मैं एक पूरा वेगाबॉन्ड था मेरी जिंदगी का मकसद था लड़की और हर युवा आदमी का वो मकसद होता है कि लड़कियों के पीछे भागना जब उनकी डेथ हुई उसके बाद ऐसा लगा कि कुछ अंदर का हिस्सा चला गया खत्म हो गया सब बर्बाद हो गया एक दो महीने जिंदगी में समझ नहीं आई कि कहाँ हूं फिर वाइफ है मेरे बड़े भाई धनवान सिंह हैं उन सब ने प्रेरणा दी कि अगर तू चाहता है कि उनकी यादों को जिंदा रख सके अपने दिल में तो मेहनत कर मेहनत करके वो हासिल कर जो वो चाहते थे तू हासिल करे आपने जिनका नाम लिया अपनी गुफ्तगु में मैं उनको बुलाना चाहता हूँ उनसे बात भी करते प्लीज आइए आदाब सर शुक्रिया आइए सर।, सर सर वैसे आपका जिक्र मतलब नाम के तौर पर तो हो ही चुका है मैं साथ चाहता नवजोत जी आपका कुछ परिचय भी दे दें ये मेरे बड़े भाई हैं ये तो नहीं कह सकता हूँ कि खून से खून के नाते से मेरे बड़े भाई हैं लेकिन इनका दर्जा सबसे बड़ा है क्योंकि मुसीबत जब आई तो सरदार धनवंत सिंह मेरे साथ थे और जब खुशगवार समा था इनका कभी मुझे पता नहीं था नवजोत सिद्धू के फादर मेरे रिश्ते में चाचा थे एक ही बात इसको बतलाते बत थे वो मेरे मेरे को भी वही बतलाते थे भी ज़िंदगी में मेहनत करो और मेहनत के साथ आगे बढ़ो तो उन्हें नुमाइश तो बाद नवजोत सिद्धू हिंदुस्तान की क्रिकेट टीम के बिच आया उनका लक्ष्य था एक कि मेरा बेटा हिंदुस्तान की टीम में हो और हिंदुस्तान को दुनिया में रिप्रेजेंट करे उनका सपना उनके जाने के बाद पूरा हुआ एक एक तस्वीरों की एक झलक देखते हैं नवजोत जी की ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखती है यहाँ आप पढ़ाई लिखाई में भी जाहिर हो रहा है कि बहुत मतलब तेज़ और और चतुर थे नहीं मेरा शौक़ ही ये था मैं पढ़ने लिखने में मेरा ज़्यादा रुझाव था खेलने में इतना रुझाव नहीं था जितना पढ़ने लिखने में था और फादर जो थे उनकी वजह से उनके इन्फ्लुएंस से ही पढ़ाई लिखाई में आ, अच्छा था मैं तो मेरा बचपन जो है वो बड़ा एक स्ट्रिक्ट डिसप्लिनरियन भी थे वो और फिर एक चीज़ मैंडेटरी थी जो बाद में मुझे कॉमेंट्री में बहुत काम आई मैंडेटरी क्या था कि अंग्रेजी न्यूज़ जो थी वो सुनना कम्पलसरी था टेलीविजन मुझे देखने नहीं दिया जाता था और सुबह मुझे अखबार पढ़ना होता था अखबार में पढ़ता था करीब करीब 20 मिनट स्कूल जाने से पहले और उसके बाद एक इंटरव्यू काइंड होता था कि वाकई इसने अखबार पढ़ा है कि नहीं पढ़ा <laughs> तो पूरी तरह से मेरा टेस्ट लिया जाता था तो मेरी जो एजुकेशन थी वो आधी तो आधी से ज़्यादा तो इंटरेस्टिंग तरीके से वो मेरे फादर ही पूरी कर दिया करते थे और मैं मगप नहीं करता था को। वही एक वजह थी कि मैं पढ़ाई में हमेशा फर्स्ट आता था और मैंने यूनिवर्सिटी भी टॉप की जब लॉ किया वो कॉलेज भी टॉप किया आपने वकालत भी की है वकालत भी की जी हाँ इसी का नाम है मैं गुफ्तु हो रही है नवजोत सिंह सिद्धू साहब से और जहां आपने बात खत्म की थी जो दरअसल वहां बात खत्म नहीं हुई थी बिल्कुल बिल्कुल जब फादर साहब की डेथ हुई तो मैंने दो तीन महीने क्रिकेट वगैरह खेलना छोड़ बिल्कुल बंद कर दिया था तो उसके बाद शीश महल टूर्नामेंट होता है 86 की बात है शीश महल टूर्नामेंट से मुझे एक खत आया फिर टेलीफोन भी किया गया कि दो हजार रुपए दिन दिए जाएंगे और आपको इनवाइट किया जाता है उस टूर्नामेंट में खेलने के लिए वहाँ मैंने सात इनिंग्स खेली और उनमें पाँच बनाए उसकी वजह से कपिल पाजी ने मुझे डेली बुलाया दिल्ली बुलाया कि इतना नाम हुआ उस टूर्नामेंट की वजह से और पब्लिसिटी भी बहुत हुई फिर वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्शन हुई वर्ल्ड कप की सिलेक्शन में वहाँ फिर वो कृपा हुई और चौके छक्के लगे आपकी आपके स्कूल के दिनों की बात आपने की थी कि पढ़ाई में भी आप बहुत तेज़ थे और बहुत आपकी टीचर्स को वगैरह को खुशी होती थी हम एक झलक देख लेते हैं उस दौर की Little sherry, smart, shy yet vibrant, obedient, in spite of my telling you that Yadvindra Gold Medal is within your reach. Only if you start taking part in cultural activities, say debates, up went your hands, saying, Sir, it's not my cup of tea. I am sure you have a Midas touch. Anything you take on, you are victorious may god bless you with a brighter future शरी नाम आपका कैसे पड़ा शरी मेरे फादर ने रखा था ये एक लेडीज वाइन है जी yeah. साहब yeah. yeah. लेडीज वाइन किसी ने प्रेजेंट कर दी तो खुशी में इतने थे मेरे फादर और पिया भी करते थे और एक दो पटियाला पेग लगे भी हुए थे तो जब शरी वो वाइन की बोतल प्रेजेंट की तो उन्होंने देखा कि ये शरी है तो आज से इसका नाम शरी होगा और ये जो बात मिस्टर जवंडा ने कही ना ये बिल्कुल सही है क्योंकि स्कूल के दिनों में उन्होंने ये कहा था कि डिबेट्स में जब मैं तुम्हें पार्टिसिपेट करने के लिए कहता था तो तुम भाग जाते मैं भागता नहीं था मैं छुट्टी ले लेता ले था मैं छुट्टी छुट्टी <laughs> लिख के भेज देता था कि डिबेट है कल को वहाँ स्कूल में जाना ना और बहुत घबराता था बोलने से पब्लिक स्पीकिंग से तो मैं इतना भागता था कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूँ मेरे पसीने छूट जाया करते थे सौ बनाता था कई बार पूछ बिहार ट्रॉफी में क्या होता था कि मैं हंड्रेड बना देता था हंड्रेड बनाने की उतनी खुशी नहीं होती थी जितना ये होता था कि यार अब इंटरव्यू देना पड़ेगा कोई ना कोई प्रेस वाला आके पूछेगा तो फिर पसीने छूट जाते थे सौ बना के अंदर कहीं घुस जाता था मैं चाहता हूँ एक साहब जो आपकी बहुत अगले दिनों से ताल्लुक रखते हैं मैं उनको बुलाऊँ उनकी बातें भी सुनती आइए तो आप आदा बहुत आदाओ, आदाओ, आदाओ. Uh, मैं तो पहले तो एक बात कहना चाहूंगा कि आज आया है ऊँट पहाड़ के नीचे <laughs> तो ऐसा मौका आप हमें दे रहे हैं ये शुरू से एक एक्सट्रीमिस्ट है जो कुछ भी करता है वो एक सिंगल ट्रैक माइंड है धुन के पक्के पक्के चाहे अगर कैरम बोर्ड खेलने लगे तो दो महीने कैरम बोर्ड ही खेल रहे हैं <laughs> जो सुर लग गया लग गया वो लग गया लग गया पर ये अल्टीमेटली तो यही स्ट्रेंथ इनकी रही एक इनका ट्रांजिशन पीरियड था टेंथ क्लास के बाद वो मैं ज़रूर बा बात करना चाहूँगा <laughs> वो छुट्टियों के बाद थोड़ा कद भी लंबा हो गया इनका थोड़े कपड़े डालने का भी तरीका ढंग आ गया सो तो जूते की जो लाइन है उसके ऊपर कोई लाइन बनी हुई है उस कलर की फिर पगड़ी रंगाने की कोशिश भी शुरू हो गई तो अपने दिल को फिर उन्होंने छः टुकड़ों में बाँट के प्रसाद की तरह छः लड़कियों को दे दिया उस वक्त <laughs> वो एक दौर था ज़िंदगी में हमारे वहाँ एक मेरा दोस्त है सरबजीत सिंह रोज़ी वो एक चाय की दुकान थी उसके आगे एक रेलिंग है हाँ मैं बयान कर रहा हूं उसके आगे एक रेलिंग है वो तीन लोहे के सरिये थे उस रेलिंग के ऊपर हम सज जाया करते थे दे शाम देखे के देखे, मैं उस रेलिंग के पार आपको ले जाता हूं अरे आइए हाँ। हाँ। आपने बुला रखा है क्या हो रहा था उसका जिक्र हो रहा था तो ऐसा शख्स है आप यही रहे सर के सर। जवानी के दौर में ये सूट का रंग देख के साइकिल अगर कौन सा साइकिल को देख के लड्डुओं के पीछे से वो लड्डुओं की दुकान थी बता दिया करता था कि ये लड़की फलां फलां महले से आई है फलां फलां जगह ना मेरे फादर से मुझे फिर उसी के बाद वो नशा उतरा तो पहले इसको संकेत आया कि उसे कहो पंजाबी में बंदा बन जाऊ जब बंदा ना पड़े तब मैं बना दूंगा उसके बाद ऐसा झोंका मुझे क्रिकेट के अंदर मेरे फादर ने इंस्ट्रक्शन होती थी कि अगर स्कूल से अब बेटा तो स्ट्रिक्टीन बजे ना आया तो मुझे बता देना मैं उसको भी ड्राइव करने की, <laughs> की कोशिश करता था <laughs> उसको मैंने एक बार हफ्ते के दस रुपए बांध लिए उन दिनों में दस रुपए बहुत बड़ी चीज होती थी तो मैंने उसको दस रुपए में पटा लिया भैया देख गुलजार सिंह दस रुपए तेरे अगर मैंने फिल्म देखनी है ना तो पापा ने आना है करीब साढ़े चार के करीब अगर दोपहर का शो गया हूँ तीन बजे का इंटरवल तक देख के यहाँ फटाक करके आ जाऊँगा पानी का थेरी तो थी मेरे के कमीज पे पानी मारी किट के ऊपर और फटाक करके आ गया लेकिन बाप आखिरकार बाप है एक दिन फिल्म के देखने गया और वो सवा तीन बजे कोर्ट से डायरेक्ट ग्राउंड में आ गए कुलजार सिंह से पूछा गया कि जी वो ग्राउंड से निकल गया है और यहां पे नहीं पहुंचा आपने मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया कि वो आया नहीं कुलजार सिंह की तो सट्टी पट्टी गोल हो गई और उनका आकार भी बहुत बड़ा था तगड़ा था कि जिसको देखते थे तो उसका तो एकदम हालत खराब हो जाती तो गुलजार सिंह ने वो दस रुपए वाले किस्से जो थे वो सारे उनके आगे फाश करना बड़े आराम से इतमान से वहां जब आया

गालियां भी आपको पता है जो पंजाबी में घी मक्खन वाली लगती है ना तो वो पड़ी फिर पाँच चार मिनट और उसके बाद वो गलती नहीं की क्योंकि पता था कि मैं आप पकड़े जाओगे ऐसे तो आप... के पावन हो गए <laughs> आप, आ, इनके साथ क्रिकेट भी खेला लगता था तब भी कि नवजोत जो है बहुत आगे नहीं, नहीं, ये तो शुरू से ही लगता था ये शुरू से ही दृढ़ इरादे वाले इंसान थे वो बाद में तो इतने सन्सियर हो गए थे कि प्रैक्टिस मिस नहीं करते थे अगर बरसात भी हो जाती थी तो हम हमारे वहाँ एक स्विमिंग पूल था उसका पानी निकलवा के उसके अंदर इसको प्रैक्टिस करवाते थे रोजी साहब का बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है बहुत ज़्यादा एक और कॉन्ट्रीब्यूशन हम यहाँ पर्दे पर देखते हैं सिद्धू मुझे बहुत खुशी है कि आप एम का इलेक्शन जीत गए हो और तुम बहुत कॉन्फिडेंट इंसान हो और मुझे तुम्हारे कॉन्फिडेंस के बारे में मुझे याद है वो पुरानी बात जब हम प्रैक्टिस कर रहे थे और मैंने तुम्हारे से पूछा कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस कैसा है तो तुमने ये बताया कि अंकल अगर मैं विकेट के ऊपर आधा घंटा खड़ जाता हूँ तो मैं ये महसूस करूँगा कि मैं वेस्ट इंडीज़ के साथ नहीं खेल रहा तुम्हारे साथ मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ और तुमने वो करके दिखाया और इसी कॉन्फिडेंस के साथ तुमने इस एम की सीट के लिए दिन रात लगा कर काम किया और तुम विक्टोरियस हुए और मुझे उम्मीद है कि तुम लोगों की सेवा करोगे और दिन दोगुनी और रात चौगनी तरक्की करोगे ये जो वेस्ट इंडीज़ के मैच की जो बात कर रहे हैं ना अंकल तो इसके पहले मुझे ये था कि यहाँ पे मैं प्रैक्टिस करता हूँ यहाँ ना कोई तेज़ बॉलर है ना कोई इतनी तेज़ गेंद फेंक सकता है यहाँ के जो इनकी रफ्तार है वो तो साठ किलोमीटर पर आवर है और वहाँ पे आएगी एक सौ किलोमीटर की रफ्तार से सिलेक्शन हो गई है अब एक महीना रहता है मेहनत कैसे की जाए तो अगले दिन इनका जो आइडिया था वो आइडिया उसके बाद मेरे साथ करीब करीब आठ दस साल तक चला आइडिया क्या था कि 22 कदम मेरे लिए वो जो बोलिंग का मार्क था वो सत्रह से कर दिया गया सिक्सटीन या सेवनटीन यार्ड से अब जब बोलर बोलिंग डालेगा जिसकी पेस करीब करीब साठ पैंसठ किलोमीटर पर आवर है वो अगर सत्रह पांच यार्ड आगे से बोलिंग डालेगा तो उसकी पेस खुद ब खुद करीब करीब सौ के ऊपर चली गई तो वो छोटे रन अप वो छोटे एरिया से जब वो बोलिंग डालता तो कई कई बार तो गेंद इंस्टिंक्ट से खेलनी पड़ती थी छू करके निकल जाती थी तो वो जो प्रैक्टिस थी वो बहुत काम आई आगे भी जाके बहुत काम आई और फिर उससे एक आत्मविश्वास जग गया वहां पे जाके 123 रन बनाए और मुझे याद है कि जब मैं वो 100 बना के बाहर आया था तो मेरे फादर वो गेट पे खड़े थे और उनकी आँखों से अश्रु जैसे कोई टैप चल रहा होता है ना टूटी चल रही होती है तो वैसे वो आँखें नम थी और कुछ कहने की ज़रूरत नहीं थी बस उनके गले लगा और ऐसा लगा कि जिंदगी में इससे बड़ा कुबेर का ख़जाना मुझे किसी ने आज तक दिया नहीं और आने वाले समय में किसी ने देना नहीं सर एक बहुत खूबसूरत मोमेंट है मैं चाहता हूँ कि ब्रेक ब्रेक का वादा जैसा नहीं सर सिद्धू साहब ब्रेक सोने में सुगंध नहीं होती गन्ने में फूल नहीं होता चंदन में फल नहीं होता राजा जो है वो दीर्घजीवी नहीं होता और विद्वान कभी अमीर नहीं होता किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता कहीं जमीन तो कहीं आसमान वेलकम बैक वीडियोकॉन् जीना इसी का नाम है मैं बहुत दिलचस्प बातें हो रही हैं नवजोत सिंह सिद्धू साहब से सिंस वी लाइक व्हाट वी आर हैविंग हियर दिस लवली लिटिल टेट टेट विद नवजोत व्हाई डोंट वी हैव अनदर नवजोत सो वी एन्जॉय ट्वाइस एज मच प्लीज आइए दोजो जी बहुत शुक्रिया आप तशील मैं ये जानना चाहता था कि सबसे पहले आपने मिस्टर नवजोत को कहाँ देखा था मैंने सड़क पे मेरे घर के बाहर यू नो एवरी डे रोज़ मुझे दोपहर को हॉस्पिटल से वापस आना तो मुझे लगना कि कोई स्टेयर कर रहा है कोई सरदार सा मेरी तरफ यू you नो know? तो मैंने कहा नहीं नहीं नेक्स्ट डे फिर मैंने देखा तो रिपीटेडली दिस हैपन् सो देन फाइनली आई लोकेटेड कि नहीं ये तो मेरे पीछे पड़ा हुआ है लड़का कि मैं करेक्ट कर दूं <laughs> इसने मुझे मैंने इसको देखा था सबसे पहले इसने नहीं देखा था कितनी चाउमीन खाई मैंने मैं बता नहीं सकता हूँ <laughs> वहाँ चाइनीज एक रेस्टोरेंट था इसके घर के बाहर बिल्कुल सामने एक पिकचिक नाम था उसका तो चाइनीज रेस्टोरेंट था तो वहाँ तो दोपहर का खाना भी फिर वहाँ ही होने लग गया और रात का डिनर भी वहीं होने लग गया एक तरह से डेरा लग गया और फिर वहाँ पे भी पेंसिलीन की डोज तो मिली थी फादर के साथ लेकिन वो फिर रुका नहीं मैं और अल्टीमेटली you know, <laughs> जैसे जैसे वक्त गुजरता गया एक ऐसा रिलेशनशिप डेवलप हो गया जो आगे चल के शादी के रूप में बट वेन ही Yeah. तब आपका पहला रिएक्शन क्या था कि भाई ये क्या है मेरे पीछे yeah, क्या पहले क्या? तो वाज नॉट प्रिपेयर्ड बिकॉज़ बीइंग अ डॉक्टर मुझे लग रहा था कि स्पोर्ट्स वाले तो ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं नहीं है तो कैसे बनेगा कि ऐसे पीछे पड़ा हुआ है अपने आप ही दिस विल पास ऑफ बट फाइनली जब uh, मिले यू नो सम जब हमने बोलना शुरू किया इट वाज लाइक यू नो वी वुड टॉक फॉर आवर्स टुगेदर बिकॉज मेरे बैचमेट्स थे जो क्रिकेट खेलते थे तो समहाओ तो जॉइंट उसमें हम इकट्ठे होते थे कि फॉर अ ग्रुप ग्रूप दिस बर्थडे पार्टी और समथिंग तो वहाँ पे अल्टीमेटली ये होना कि सब एक साइड पे बैठे और हम दोनों चटरपटर चटरपटर पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं इट वॉज रिलेशनशिप दैट दैट ग्रीव बट देन ही वॉज वेरी शाई लाइक ये तो अल्टीमेटली बाद में चेंज हुए हैं तो हमारी तो फैमिली में किसी ने आना इनको बाद में भी मिलने तो गेट की तरफ जाने की जगह बाथरूम को भागे जाना तो मैंने पकड़ के लाना कि ये फैमिली इज़ वेरी क्लोज़ ये छोड़ेंगे नहीं आप जरा आगे आए आपको मिलना पड़ेगा इनको और ये शाम तक वापस नहीं जाने वाले बट इन फाइनली ही यू नो इट नवजोत सिंह के जी के साथ नवजोत कौर जी के साथ जो डगर आपने चली थी उसकी कुछ तस्वीरें हम दिखाना चाहते हैं आपने देखी है कि ये? नहीं रिया ये ये

जो थी ना मैं गड्ढा फील्डर माना जाता था और इंडिया गेट होता है ना जिसको कहते हैं कि यूं टांग लगाई फिर भी गेंद बीच में से निकल गई तो वैसा फील्डर था मैं तो एक दिन मुझे कहता है कि पापा आपको लॉन्ड्री के बिल से डर लगता है कि अगर आप डाइव वाइव मार दोगे तो आपकी जो पैंट वैंट है उस उसमें हरे दाग आ जाएंगे तो आपको क्या उससे डर लगता है डाइव डाइव मारा करो हुजूर, मेरी नाक कटती है लोग मुझे कहते हैं ये गड्ढा गड्ढा फील्डर है उसका ये लड़का है तो कुछ तो करो हजूर तो मैंने कहा यार ये बात तो बड़ी सही बोल रहा है और उन दिनों में करण खेलना नया नया शुरू किया था और वो मार्बल के फर्श के ऊपर वो स्लाइड जिसको कहते हैं ना स्लाइड स्लाइडिंग डाइव वो मार्बल के फर्श के ऊपर मार देता था तो मैंने जब पहले दिन ट्राई किया वो तो मेरा तो एंकल हिल गया और मुझे छः सात दिन आराम करना पड़ा फिर मैंने हिम्मत नहीं हारी मैंने कहा अगर छोटा सा बच्चा ये ऐसे चढ़ा सकता है तो सिलेक्टरों की तो फिर बात अलग है तो वो तो कहेंगे कि ये कमी पेशी इसमें है तो मुझे दूर करनी होगी और मैंने फिर उसके बाद वीडियो फिल्म जॉनटी रोड्स की देखी फिर आइडियाज़ भी ऐसे आए सुबह सुबह जब ओस पड़ी होती है ग्राउंड पे ओस पड़ी हो तब डाइविंग आसान हो जाती है क्योंकि आदमी स्लाइड आसानी से कर सकता है सूखे घास पे वो सीखना मुश्किल हो जाता है तो फिर सुबह चार साढ़े चार बजे उठ के करण की फ़ोटो को सामने देख के मैं वहाँ डाइविंग की प्रैक्टिस चालू की और अल्टीमेटली उस उसका इतना रिवॉर्ड मिला मुझे कि छः महीने बाद जॉनटी सिंह नाम रख दिया सुनील गावस्कर साहब ने और डाइव वगैरह मारनी और गेंद पकड़नी और वो सबसे बड़ी एक जिसको कहते हैं सेटिस्फैक्शन मेरी ज़िंदगी में थी हेल्थी क्रिटिसिज्म जो हमारी फैमिली में है वो ये दो बच्चे जो है ना ये इनसे शुरू हुआ है और मेरी वाइफ फिर ये लोग हैं ये जो ये सब सच बोलते हैं कि भैया हवा में तुझे चढ़ाना नहीं हमको और ये चिकनी चुपड़ी बातें हमें आती नहीं है यहाँ पे तू गलत है और इसको सुधार तो उसका बहुत फ़ायदा हुआ उस उसके बाद में भरोसा भी कर बिल्कुल बिल्कुल मैं कुछ ऐसे लोगों को बुलाता हूँ जो और आपको ऐसे भरोसे की बातें बताएंगे जितने चौड़े मुस्कुराहटे आपकी हैं उतनी ही नवजोत जी के चेहरे पर है नवजोत जी आप जरा परिचय देंगे हमको इनका दिस इज फैमिली मेरे लिए ये फैमिली से भी ज्यादा ऊपर है दे आर डायरेक्टली रिलेटेड टू नोनी लेकिन प्यार मुझसे ज्यादा करते हैं मैं ये भी कह दूंगा आपको क्योंकि नूनी के जो मासी मासी जी हैं ये उनकी लड़की हैं इन्हें मैं बेबी दीदी पुकारता हूँ और ये अनुजी हैं रिलेटेड फ्रॉम नूनी साइड जो प्यार यहाँ इनसे मुझे मिला है शायद अपनी फैमिली से भी नहीं मिला मैं इतना कह सकता हूँ सर आपकी खास <laughs> स्टाइल में एक ब्रेक हो जाए खास स्टाइल हर इंसान में एक अच्छा गुण होना चाहिए वो गुण अगर किसी आदमी में होता है किसी व्यक्तित्व में होता है तो सब चीजों को ढक लेता है तो एक गुण को उभार लो मेरे दोस्त बाकी आपके अवगुण जो हैं वो नीचे छिपे रह जाएंगे welcome back, welcome back. आ, वीडियो जीना इसी का नाम है नवजोत सिंह साहब से बहुत मजे की बातें हो रही हैं अब आपके पापा के बारे में कोई कुछ बहुत अच्छी बात कर रहे हैं यहाँ से सुनते हैं। कह रही मुझे अभी तक याद है जब 1973 में Uh, सार भोग सिंह जी आपको लेके बारहदरी ग्राउंड में आए थे और वो चाहते थे कि तुम्हें फास्ट बॉलर बनाया जाए लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे खेलते गए तो हमने देखा कि तुम्हारा बैटिंग टेक्निक जो था वो ज़्यादा अच्छा था तो सुजेस्ट किया कि आपको बॉलर नहीं बैटिंग पे कंसंट्रेट करना चाहिए और फिर जो मेहनत आपने शुरू की मुझे अभी तक याद है शाम के वक्त जब बारहदरी ग्राउंड आप रनिंग के लिए आते थे और आप अपने पोटेंशल के मुताबिक क्रिकेट फील्ड में आपने अपने आप को एक्सेल किया जब भी घूम फिर के अब तक जिक्र आता है तो हमेशा नवजोत सिंह सिद्धू का नाम जो है बहुत कामयाब क्रिकेटर के नाम से जुड़ा हुआ है और मतलब उसी उसी सोबत से जो है मैं एक साहब को दावत देना चाहता हूँ हम उनसे पूछते हैं आपके बारे में आइए <स्तितिति> तो 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 बहुत बढ़िया ये तो मेरे रोल मॉडल को मेरे मसीहा जो क्रिकेट के हैं ये आपने उनको बुला लिया इनको इनकी तो मैं पूजा करता था जब मैं क्रिकेट खेलता था तो इनको सामने रख के ऐसा बनना चाहता था सर जब आपने पहले पहल देखा कि मैं ये नया है नवजोत सिंह तो वट वॉज ये इंप्रेशन? वो उस जमाने में भी मैंने सुना है शहरी को जब मैंने देखा था ये हमारा रणजी ट्रॉफी का मैच था दिल्ली वर्सेस पंजाब तो यंगस्टर थे ये इनके फादर बहुत कीन थे जो कि चाहते थे कि एक दिन एक टेस्ट क्रिकेटर बने तो ये बहुत तरह का इंसान होता था ये बात ही नहीं करता था किसी से और इसकी बैटिंग भी वैसी होती थी इट्स इट्स अ फैक्ट ये शॉट ही नहीं मारता था अगर खेलना डिफेंसिव डिफेंसिव खेलना बट सडनली एक ऐसा चेंज आया उसके बाद इट्स अमेजिंग मैं भी हैरान हो गया मेरे ख्याल से ये चेंज तब आया जब ये इसका झगड़ा मोहम्मद अज़रूद्दीन से इंग्लैंड में हुआ वहाँ से कुछ ऐसा वो स्पार्क प्लग जो है ना ऐसा वो बम बन के निकला उसके बाद कि ये शहरी तो शहरी सिंह हो गया उसके बाद इसको रोकना ही मुश्किल है अब सर एक सेकंड एक मिनट प्लीज आइए हम पार पार। <laughs> एक सेकंड <laughs> 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 <laughs>

ए इंग्लिश लिटरेचर प्रोफेसर कितना चुप करवा देता है उसने बायकोड को, को बोला आपको पटियाले में पैदा हुआ तो एक्चुअली सिद्धू के साथ मैं जितना भी खेला हूँ शायरी के साथ बड़े दिलदार तरीके से इसने क्रिकेट खेली है इसमें टैलेंट तो हमेशा ही था सर आपकी इंप्रेशन क्या थी बिफोर ही टर्न इन दिस डायनामिक सिद्धू मैं जब फर्स्ट टाइम जब सिद्धू को देखा था वो अंडर 19 टूर गए थे इंग्लैंड पे खेल के आने के बाद हैदराबाद में एक मैच चल रहा था हम लोग हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन को मोहन में मैं खेल रहा था और ये शायद मेरे ख्याल में कपिल पाजी के साथ खेल रहे थे तो मैं भी काफ़ी खुश था कि हमें लाइक अंडर नाइनटीन के प्लेयर्स भी आए हुए हैं और काफ़ी ख़ुशी इतनी थी कि कपिल पाजी के अगेंस्ट खेल रहा हूँ तो जब मैंने देखा सिद्धू हमें लाइक परफेक्ट एकदम जैसे जिम्मे पाए जिम्मी भाई ने बताया उसके बाद में अंडर 25 में जब गया था जब हम लोग जिम्बा में टूर पे गए थे मेरे को याद है कि मैं एकदम नया था और मैं काफ़ी लोग के साथ ज़्यादा पहचानता नहीं था लोगों को और नया था बिल्कुल फ़र्स्ट टाइम सेलेक्ट हुआ था तो हमारी और सिद्धू की काफ़ी अच्छी बनी थी हम लोग ने पता नहीं बॉम्बे में कैंप हो रहा था एक आठ या नौ दिन का कैंप था हम लोग एक थिएटर सिद्धू ने बोला कि हम लोग जाएंगे एक पिक्चर, पिक्चर <laughs> देख के आएंगे पिक्चर देखेंगे चलिए जब उसी वक्त पे हीरो पिक्चर रिलीज़ हुई थी अच्छा तो हमने थिएटर में बोला कि टिकट नहीं है तो हमने अभी तक याद है कि हम दोनों ने ब्लैक में टिकट लेके फिल्म और वो ब्लैक में टिकट लेके प्रॉब्लम ये हो गई और मिया जी मेरे से लड़ाई भी करने को उतारू हो गए थे वो सबसे आगे वाली रो की टिकट थी जी बोले यहाँ तो मैं बैठने वाला नहीं हूं मैंने कहा जी अब पैसे खर्च हो गए अब क्या करूं? और जब वहां बैठेक्षी जो है वो पहाड़ की तरह सामने यूं आ, आई ना तो मिया जी तो और मेरे पीछे पड़ गए कि तूने बेटा ये गलती कर दी मैंने कहा अब तो हो गई है जी अब माफ कर दो अब तो देखेंगे जैसे दे, भी है वैसे मुझे एक और किस्सा मैं हम समय में खेल लेते हैं न्यूजीलैंड के अगेंस्ट तो ये स्मिथ उनका विकेट कीपर था तो मैं बैटिंग कर रहा था नॉन स्ट्राइकर थे तो मैं खेला एक अपील हुई कॉट बिहाइंड द अपील तो अंपायर ने नॉट आउट दे दिया तो अंपायर पाकिस्तानी थे न्यूट्रल अंपायर्स थे तो वो बड़ा नाराज ही सिर्फ गालियाँ गोली देने लग पड़ा अंग्रेजी तो देन आई डेंट से फर्स्ट एनी थिंग से कि देखो वी हैव न्यूट्रल अंपायर दैट्स इज डिसीजन गिव आउट और नॉट आउट वाई यू टेलिंग मी एनी थिंग सो अंपायर इज देयर टू डिसाइड नो नो यू इंडियंस आर चीट सो आई येविंग कपल ऑफ गालीज वहाँ पे तो ये नॉन स्ट्राइकर है बल्ला लेके कहंदा पाजी हट जाओ तुसी <laughs> मैं देख लांगा इनु मैं के नहीं ले ने ले, ने ले, ने ले, ने ले। <laughs> <laughs> मैं इसके लिए छोटा सा चार लाइनों का गाना गाता हूँ पंजाबियों का जी जी बहुत जो चीज़ें इसने मेरे लिए कही है मेरे कल किसी हिंदुस्तानी क्रिकेटर ने मेरे लिए नहीं कही है तो ये गा चार लाइनें हैं जो मैं कहूँगा वफादार है मिट्टी पंजाब वाली ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ ਖੂਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਓ ਯਾਰੀ ਐ ਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਹੀਂਓ ਕਿਤੇ ਵੈਰ ਮਣਨਾ ਪਉ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਜੱਗੋ ਵਾਰੀਆਂ ਪੱਲੇ ਵਿੱਚ ਖੂਬੀਆਂ ਨੇ ਓ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਪਛਾਣ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਦੇ ਵੀ ਪੇਟ ਲੈ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਬੈਠਣ और वखरा ही रहू पंजाबी आधा <laughs> <laughs> तो जीवी पा एक और देखिए पहलू आपकी वजह से हमको देखने को मिला एक और पंजाबी है इनके बारे में कुछ कह रहे हैं पहले उनकी बात सुन लेते हैं शरीफ काफ़ी हैरानगी होती है आपको देख के आजकल जिस रोल में आप हैं क्योंकि मुझे याद है वो क्रिकेट खेलने के समय जब आपकी बैटिंग होती थी खासतौर से अगले दिन तो आपकी आवाज़ नहीं निकलती थी और आज तो ऐसी हालत है कि आवाज़ रुक नहीं रही है एंड एज़ फार एज़ your ड्रेस सेंस इज़ कंसर्न शौक तो तुम्हें शुरू से ही था कपड़े खरीदने का लेकिन पहनने का शौक सही तरह से अब पड़ा है मुझे याद है एक बार पाकिस्तान में हम लोग एक डिनर के लिए गए थे और अब जब वापस आए थे हमने अगले दिन ब्रेकफास्ट के लिए जाना था आप उसी जीन्स में से ऐसे निकल के बाहर आ गए और नेक्स्ट morning जब हम लोग उठे तो मैंने देखा आप वही पैर वापस उस जीन्स में डाल के ऊपर खींचे और चल पड़े हम ब्रेकफास्ट के लिए लेकिन इस समय देखता हूँ तो आप स्पेशल केयर कर रहे हैं अपनी ड्रेस सेंस की टाई और पगड़ी का कलर ये ही मुझे लगता है सॉक्स का भी कलर वही होगा बट एनी वे यू आर डूइंग वेल फॉर योर सेल्फ अब तो आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बन गए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप देश के लिए अच्छा काम करेंगे मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है इसी बहुत डबल सेंचुरी टाइप के नोट पे जो है सिद्धूज मैं यही कहूंगा कि बिना शिल्पकार के हथौड़े के प्रहार के देवता की मूर्ति भी नहीं बनती ये बात सबको समझ लेनी चाहिए क्रिकेट के बाद जीना इसी का नाम है मैं नवजोत सिंह साहब से बातें हो रही हैं उनके बहुत से साथी कुछ इनके सीनियर कुछ इनके कलीग्स कंटेम्प्रेरीज इनकी तारीफ़ के कसीदे पढ़ रहे हैं और ये एक और साहब हैं जिनको आप लोग बहुत पसंद करेंगे यहाँ से कुछ कह रहे हैं आई शेयर अ लॉट ऑफ हैप्पी मोमेंट्स इज़ नवजोत सिंह सिद्धू टू मी टू मी एंड टू मोस्ट ऑफ द क्रिकेटिंग इंग फिटर्निटी इज़ नोन शेरी आई एव शेयर शेयर द रूम क्वाइट अ फ्यू टाइम्स विद हिम ड्यूरिंग माई क्रिकेट करियर obviously now once he's finished up the game he's taken his job as a commentator i just think he takes this job a bit too seriously he can relax a bit more in the comment in the commentary box and obviously his new role now as as uh, as a leader as a he's, he's fought the elections and i was not surprised to see that Sidhu has won it the way he speaks the way he can get people around him i think he's taken the right job uh, uh, i'm very happy for him that he's won he's won the elections and i must say i've I have closely followed every speech of his right throughout this election campaign. He looked as immaculately dressed as he is in a commentary box. Uh, my good wishes to him. My good wishes to his family. Sir, sir, cricketing ke baad commentator करियर जो चल रही है उसका जिक्र होना लाजमी है लेकिन उससे पहले मैं एक साहब को बुलाना चाहता हूँ जो आपके क्रिकेट के भी साथी हैं और वैसे भी आपके साथी हैं प्लीज़ आइए <laughs> सिंग 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 सिडू वेल डन बॉस थैंक यू बहुत मुबारक यार इलेक्शन जीत के कमाल you. कर दिया थैंक यू वेरी मच पंजाब को हिला दिया लेट मी टेल यू कि रवि भैया तीन बार मेरे कैप्टन रहे हैं जब मैं छोटा था अंडर नाइन जितने टूर पे मैं गया और जो जी ने भी जिक्र किया कि अंडर वाले जो um, uh, मेरे कैप्टन थे तो रवि ही थे। और मैं शुरू से उसको कैसे यूज करके आदमी ऊपर उठ सकता है रोल मॉडल फॉर मीज अर्सन टू टॉयलेट्स

और जो मन में रहेगा वही बोलोगे क्योंकि उससे को तो आप कभी हिचकिचाए नहीं मुझे याद है हम वेस्ट इंडीज़ में थे उन्नीस की बात है नवजोत सिद्धू ने 201 रन बनाए थे ट्रिने में और उसके बाद पोस्ट गेम इंटरव्यू सुनील गावस्कर करते थे उन दिनों तो नवजोत सिद्धू के साथ इंटरव्यू करने गए गावस्कर सवाल किए जा रहे हैं सिद्धू जी पीछे पीछे हट के बड़े अदब से झुक झुक के सवाल जवाब दे रहे हैं और इतना कि इंटरव्यू शुरू हुआ एक मकाम पर ख़त्म हुआ कुछ पंद्रह बीस गज़ दूर और एक ही जवाब दिया शेरी ने सारा सनी भाई आप तो अच्छी तरह जानते हैं सनी भाई आपसे अच्छा कौन जानता है एक्चुअली यू मस्ट टेल हिम टू टेल यू द स्टोरी ऑफ व्हाट हैपेंड व्हेन जेफरी वाज टॉकिंग अबाउट शिल्पा शेट्टी इन द कार एंड सिद्धू हैड हिज ओन सिद्धूइज्म अबाउट हाउ ओल्ड जेफरी वाज सर पहले तो यही पूछ लें सर oh, मैंने Shetty ये कहा था कि आप उनके बाप की उम्र के हैं और आप उन पे लाइन मारे जा रहे हैं बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम तो आई हैड सेड इन अंग्रेजी में मैंने ये कहा था कि द लास्ट टाइम यू सेलिब्रेटेड योर बर्थडे द कैंडल्स कॉस्ट मोर देन द केक तो बेसिकली यू टेकन अ बैग बट अल्टीमेटली इट ऑज ग्रेट फन के सर जेफरी के साथ जो इंटरेक्शन होता था वो बड़ा ओपन होता था जब मैंने पहली बार सर जेफरी से बात भी की तो वो कह रहे हैं कि तेरा बैग तैयार है तू जैसे इंग्लैंड से भाग आया था यहीं से यहाँ से भागने के लिए तैयार है तो फिर मैं उनके पीछे जो पड़ा हूँ जो ले के पूरा असला अपना तो उसके बाद वो जो चीज़ें थी वो नोक झोंक जो थी तकरार जो था वो लोगों को बहुत पसंद आया और एक बार तो उन्होंने अनलकी होने की बात की

makes him either very good or dull or attractive or not attractive. I think the ability to make people laugh, uh, to make people stay tuned to the television set when uh, he, she or anyone is speaking and uh, that's where I miss Navjot in the commentary box and I really miss him because he was a laugh a minute. In fact, if I finished my stint of half an hour you can be rest assured the next half an hour if he was not doing work there would be laughter in the commentary box as if uh, you know, you know, something seriously had happened. and. Uh, It's just a spontaneity. You know, people people. think that uh, he comes prepared. There. He's spontaneous. Commentary is all about entertaining people. मेरा मकसद में लोगों को खुशी देना है, और वो मकसद में मैं थोड़ा बहुत कामयाब अगर हुआ हूं तो वो इसलिए आत्मविश्वास का सही मतलब आज पता लगा है पहले इस चीज का मतलब कि ज़िंदगी में अगर आदमी ने ऊंचा उठना है तो उसे किसी प्रधान सहारे की जरूरत है तो वो वाजपेयी साहब में वो आकर्षण था और मैंने उन्हें ना भी कर दिया था मैंने नायडू साहब को पाकिस्तान में जब उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि आप इलेक्शन लड़िए मैंने कहा जी नहीं तो वो बात ख़त्म हो गई उसके बाद हाई कमांड से एक और फोन आया और फिर वो हुक्म में तब्दील हो गया और फिर एक सिपाही होने के नाते वो हुक्म मुझे कबूल करना पड़ा और फिर मैं आ गया मैंने सोचा नहीं कुछ और पूरी तरह से एकाग्रचित होके पूरी तरह से अपने लक्ष्य की तरफ जुट जाना है फिर वो एकाग्रचित होके क्या किया मैं आपको बताता हूँ ये देखिए तो 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 मैं मिट्टी मेरी जात भी मिट्टी से तो मेरा बाबुल मिट्टी खाना माँ मेरी ने मिट्टी जमीन ना रखे मर जाना हो या शेर की दहाड़ आप तस्वीर रखें मैं मैं इनसे कुछ एक खास फरमाइश कर यहाँ आ जाए सर हमारे पास थोड़ी सी वक्त की पाबंदी है

पिंजरे के अंदर टणा ता निकलेगा बंदर टणा ता यही तो कमाल है सिधु जानी का यही तो कमाल है सिधु जानी का पाम चीक चीक जाम चीक चीक बम चिक बुप चिक बम चिक बुप चिक के बोल बेटा बम बम सिद्धु साहब बहुत 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 खुशी हुई आपका शुक्र है अगले हफ्ते फिर ऐसे ही किसी खैर ऐसे ही तो नहीं क्योंकि सिद्धुइज्म वाले तो हिंदुस्तान में एक ही हैं तो वो तो ऐसे तो नहीं लेकिन इनके लिए इंटरेस्टिंग किसी इंसान से मुलाकात होगी अगले हफ्ते तक के लिए आदा से